हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन आरसीआई एजुकेशन ऑफ ऑनलाइन क्लास। डियर स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। इसकी थ्योरी अपन ने पिछले लेक्चर में डिस्कस की थी, दो केस थे उसमें, लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर। अब इस रिएक्शन की अपन को हाई टेम्परेचर, जहां पर कम्प्लीटली क्या हो रहा है आपका डिहाइड्रेशन, और अपने पास में एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है, क्या फॉर्मेशन हो रहा है आपका एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो किस टाइप से फॉर्मेशन हो रहा है इसकी कंप्लीट क्या करेंगे अपन यहाँ पर मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। क्लियर, दिस मैकेनिज्म कंप्लीट इन थ्री स्टेप। कितने स्टेप में कंप्लीट होती है आपकी, ये थ्री स्टेप में कंप्लीट होती है। तो जब भी ध्यान रखो, आप मैकेनिज्म आती है तो पहले उसकी कंप्लीट रिएक्शन लिखो, फिर उसकी मैकेनिज्म आप स्टार्ट करो। और ये मैकेनिज्म वेरी 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 आपके लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है, कई बार ये एग्जाम में पूछी गई है 2 मार्क्स के लिए। राइट द मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, उसके लिए आपको टेम्परेचर गिवन है 4332443 केल्विन और प्रेजेंस है कंसंट्रेट H2SO4। कितने स्टेप में कंप्लीट होगी आपकी, ये 3 स्टेप में कंप्लीट होगी। क्लियर, तो अपन स्टेप बाय स्टेप चलते हैं यहाँ पर, स्टेप फर्स्ट। अब जो प्रेजेंस है आपकी, वो प्रेजेंस किसकी है, कंसंट्रेट H2SO4। ध्यान दीजिए, जब भी कोई मैकेनिज्म होती है तो स्टार्ट आपकी रिएक्टेंट से ना होकर वो किससे होती है, आपकी जो कैटलिस्ट होता है या प्रेजेंस होती है उससे आपकी स्टार्ट होती है। सबसे पहले बात करेंगे अपन H2SO4 जो होगा उसका ब्रेकिंग होगा किसमें, H+ HSO4-, और जो अटैकिंग स्पीसीज है आपकी वो क्या होगी, H+। क्लियर, अब बात करते हैं अपन स्टेप फर्स्ट। राइट, स्टेप फर्स्ट में होगा क्या, यहां पर फॉर्मेशन होगा ऑक्सोनियम आयन, क्या फॉर्मेशन होगा ऑक्सोनियम आयन फॉर्मेशन बाय अटैकिंग ऑफ H+। क्लियर, ऑक्सोनियम आयन फॉर्मेशन बाय अटैकिंग ऑफ H+। क्लियर, अब कैसे होता है ध्यान दीजिए, ये अपने पास में ले लिया CH3 CH2 OH, ऑप्शन पे क्या है लोन पे, कौन अटैक कर रहा है आपका H+, कौन अटैक कर रहा है आपका H+। अब देखो यहाँ पर H+ यहाँ पर इसकी तरह बिहेव करेगा आपका, ये लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा, क्या होगा लोन पेयर एक्सेप्ट करने वाला है, ये लुइस एसिड है, डेफिशिएंट है, तो यहां से ये इसका लोन पेयर ले लेता है, और यहाँ पर इनके बिटवीन कौन सा कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, और ऑक्सीजन पे कौन सा आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे कौन सा आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो अपने पास देखो क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3 CH2 OH और H, और यहां पे ये पॉजिटिव चार्ज, ये आपका क्या है ऑक्सोनियम आयन, क्या बन गया बेटा ऑक्सोनियम आयन, इससे हुआ बाय अटैकिंग H+ ने यहां पर अटैक किया। ये स्टेप क्लियर है सबकी, ये H+ कहां से आया, कंसंट्रेट H2SO4 से। ये भी बता दूं मैं आपको, लास्ट में H+ रिमूव हो जाएगा, मैकेनिज्म में जो भी रिएजेंट या कैटलिस्ट यूज आता है वो लास्ट स्टेप में आपको क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, देखेंगे आपको रिमूव हो जाता है। स्टेप फर्स्ट क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सोनियम आयन। बात करते हैं अपन किसकी, स्टेप सेकंड। अब देखिए स्टेप सेकंड पे चलते हैं अपन, स्टेप सेकंड में क्या है, स्टेप सेकंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन बाय रिमूविंग ऑफ H2। क्लियर, हालांकि आप डायरेक्ट भी कर सकते हो बट लिखते हो थोड़ा अच्छा लगेगा आपको,
फॉर्मेशन ऑफ कार्बो कैटायन या कार्ब कैटायन दोनों ले सकते हो आप, कार्बो कैटायन ले सकते हो, कार्ब कैटायन ले सकते हो बाय रिमूविंग ऑफ एस थ्री। देखिए इसमें अपने पास फर्स्ट स्टेप में क्या फॉर्मेशन हुआ था, सी एस थ्री सी एस टू ओ एच एच और ये प्लस, क्लियर। और ये जो स्टेप होती है आपकी वो कौन सी स्टेप होती है बेटा, स्लो स्टेप होती है। कौन सी स्टेप होती है, स्लो स्टेप होती है। और जब भी कोई रिएक्शन स्लो स्टेप में होती है उसको क्या बोलते हैं अपन, आरडीएस। क्या बोलते हैं उसको, आरडीएस। आरडीएस का मतलब हो गया रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। आरडीएस मीन्स क्या हो गया, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, क्लियर। और कौन सी होगी, स्लो होगी, बिल्कुल धीरे से होगी। तो यहां पर देखो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, ऑक्सीजन को। तो कार्बन में कौन सा चार्ज आएगा आपका, पॉजिटिव चार्ज। ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ पर, चार्ज खत्म। अब चार्ज कहाँ गया, कार्बन पर। तो अपने पास जो फॉर्मेशन हो गया सी एस थ्री सी एस टू और यहाँ पे क्या है आपका प्लस, ये क्या है आपका कार्बो कैटायन इंटरमीडिएट, कार्बो कैटायन इंटरमीडिएट होता ही नहीं होता बेटा इंटरमीडिएट, ये प्लस एच टू बाहर निकल गया। देखो मैकेनिज्म में डिहाइड्रेशन हुआ नहीं हुआ, क्या बाहर निकल गया अपने पास में एच टू ओ, क्या फॉर्मेशन हो गया कार्ब कैटायन जो क्या होते हैं इंटरमीडिएट, क्लियर। कौन सी स्टेप है, स्लो स्टेप है। और जो भी स्लो स्टेप होते हैं उसको क्या बोलते हैं, आरडीएस। आरडीएस का मतलब क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, क्या बोलेंगे, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसके बारे में आप लेशन नंबर जो आपका फोर्थ होगा उसमें आप क्लियरली डिस्कस करोगे, वहां आपको बताएंगे। फर्स्ट पार्ट का जो लेशन नंबर फोर्थ है उसमें अपन आरडीएस के बारे में क्लियरली एक्सप्लेन करेंगे। हालांकि मैं आपको एसएन वन और एसएन टू में ये आरडीएस बता चुका हूं, फिर भी और भी आरडीएस आपको बता दें। ये वाला ये आरडीएस वो नहीं है जो आप सोच रहे होंगे, ये आरडीएस क्या है, रेड डिटरमाइनिंग स्टेप। क्या फॉर्मेशन हो गया, कार्ब कैटायन। अब चलते हैं अपन कहां पे, स्टेप थर्ड की ओर। स्टेप थर्ड क्या है बेटा, देखो स्टेप थर्ड है फॉर्मेशन ऑफ एल्केन बाय रिमूविंग ऑफ एच प्लस। मैंने कहा था आपसे कि जो आपका रिएजेंट या कैटलिस्ट आपका यूज होता है वो लास्ट स्टेप में क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। तो देखिए अपने पास में देखिए बेटा किस तरीके से कार्ब कैटायन था, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं क्या, ये पॉजिटिव चार्ज, क्लियर। और ये जो स्टेप होता है ये क्या होता है आपका, फास्ट होता है। क्या होता है, ये फास्ट स्टेप होता है, बहुत जल्दी से होता है, क्योंकि यहां पर ये क्या करना चाह रहा है, स्टेबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना चाह रहा है, क्लियर। देखिए यहां से ये एच प्लस अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को देके रिमूव, यहाँ क्या आएगा आपका नेगेटिव चार्ज, यहाँ क्या है पॉजिटिव चार्ज, क्या बन जाएगा डबल बॉन्ड, और ये एच फॉर्म में निकल जाएगा, एच प्लस की फॉर्म में यहां से निकल जाएगी। भाई ये बॉन्ड टूटेगा तो एच प्लस, एच पे क्या आएगा प्लस और कार्बन क्या आएगा माइनस, और ये माइनस और प्लस क्या बना लेगा बॉन्ड। तो अपने पास में देखो क्या बन गया, इस तरीके से ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है और ये एच प्लस आपका रिमूव हो जाता है। इसको अपन लिख सकते हैं सी एस टू डबल बॉन्ड सी एस टू, क्या लिख सकते हैं सी एस टू डबल बॉन्ड सी एस टू, क्लियर। अपने पास यहां पर क्या फॉर्मेशन हो गया बेटा, एल्किन फॉर्मेशन हो गया। तो ये थ्री स्टेप में आपकी मैकेनिज्म कंप्लीट होती है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है।
सेकंड स्टेप में क्या होता है, कार्पेटन का फॉर्मेशन होता है, और थर्ड स्टेप में क्या होता है आपका एल्किन फॉर्मेशन हो जाता है। इस तरह से अपन थ्री स्टेप में आपकी डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल वाली मैकेनिज्म इस टेम्परेचर कंप्लीट करते हैं। ध्यान रखना बता, अगर 4-1-3 है तो वहां पर क्या फॉर्मेशन होगा आपका, ईथर का फॉर्मेशन होगा। क्या फॉर्मेशन होगा, ईथर का फॉर्मेशन। क्लियर है बेटा। अब यहां पर अगर अपने पास में 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री क्या गिवन हो, एल्कोहल गिवन, क्या गिवन बेटा, एल्कोहल गिवन, उस कंडीशन में इन तीनों की रिएक्टिविटी टूवर्ड्स द डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल आपसे पूछे तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, सोचो क्या होना चाहिए आपका जवाब। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल की रिएक्टिविटी टूवर्ड्स डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल क्या होनी चाहिए, ये होगी आपकी 3 डिग्री 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। रीजन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, बात क्लियर है, ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। स्टेप जो सेकेंड थी उसमें क्या फॉर्मेशन हुआ था, कार्बोकैटायन। जिसका कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा वो जल्दी से क्या होगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, तो 3 डिग्री एल्कोहल सबसे ज्यादा एक्टिव होगा, फिर 2 डिग्री फिर 1 डिग्री। आपके लिए मैंने एक क्वेश्चन छोड़ रखा है यहाँ पर, CH3 CH OH CH2 CH3, और यहाँ लिख रखता है आपको कंसेंट्रेट H2SO4, टेम्परेचर आपको गिवन होगा 443 केल्विन, और यहाँ पर A+B, एज में लिख रखा है आपको मेजर, बी लिख रखा है आपको माइनर, क्लियर। और आपको हिंट दे रखा है क्या, हिंट दे रखा है आपको कौन सा रोल, सेट जेफ, क्या दे रखा है, सेट जेफ रूल, इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करना कि मेजर क्या होगा, माइनर क्या होगा, कहां से क्या रिमूव होगा। कंडीशन में हिंट दे देता हूं, एक एच यहां से रिमूव हो सकती है, एक एच यहां से रिमूव हो सकती है, तब आपके दो टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे। आपको पहचानना है कि मेजर कौन सा है, माइनर कौन सा है, हेल्प कौन करेगा आपको, सेट जेफ रूल, जिसको अपन डिस्कस कर चुके। आई होप सारी चीजें आपको क्लियर हुई होगी, फिर भी कोई डाउट हो तो आप डाउट सेशन में क्लियर कर सकते हो, बट डाउट नहीं होना चाहिए। आई होप आपको सारे की सारी चीज ऑन बोर्ड क्लियर हो जानी चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।